हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पालक के पकोड़े। इसके लिए मैंने थोड़े से पालक ले लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और उसको काट लिया है। मैंने दो बड़ी प्याज, उसको भी काट लिया है और दो बड़े आलू, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो छोटा छोटा भी काट सकते हैं। और थोड़े से मटर ले लिए हैं, थोड़ी हरी मिर्च और लहसुन और थोड़ा अदरक का पेस्ट, थोड़ा धनिया भी मैंने काट लिया है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। अब इसको सारी सब्जियों को हम मिक्स कर देंगे। मैंने ये सारी सब्जियां बड़ी बड़ी काटी हैं ताकि अच्छे से बाइट आए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी बताती रहूँ। मैंने एक बड़ा कटोरी बेसन ले लिया है और इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब कुछ मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। एक बड़ा चम्मच नमक, और 1.5 चम्मच मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा नींबू का रस। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते देते हैं। पानी थोड़ा कम ऐड करिएगा क्योंकि ये पालक भी पानी छोड़ता है। इन्हें अच्छे से मिक्स करके और हम अपने भजिए तल लेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इन्हें सॉस के साथ या चाय के साथ आप जैसे भी खाना चाहें खाइए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। ये भजी हमारे तैयार है।